सावधान, धूम्रपान आपको अंधा कर सकता है। तंबाकू से होती हैं आंखों की खतरनाक बीमारियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, तंबाकू पूरे शरीर के साथ आंखों पर भी विपरीत असर डालता है। धूम्रपान करने वालों की आंखों में जलन से लेकर अंधत्व तक कोई भी समस्या हो सकती है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ितों को तो धूम्रपान से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त में निकोटीन का स्तर बढ़ जाता है, जो रेटिना के लिए घातक होता है। धूम्रपान करने का अर्थ है शरीर को अंदर से खोखला करना। तंबाकू के हानिकारक दुष्प्रभावों की जड़ निकोटीन है, क्योंकि इसमें मौजूद कई ऑक्सीडेंट्स आंखों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। धूम्रपान करने वालों के लिए और उनके परिजनों के लिए भी ये जोखिम हमेशा बना रहता है। कई बार धूम्रपान नहीं करने वालों की आंखें सिगरेट या बीड़ी के गुल से जल जाती हैं। धूम्रपान करने वालों की आंखों को तंबाकू के जहरीले धुएं में मौजूद रसायनों से कंजक्टिवा के ग्लोबलेट सेल्स क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, जिनसे आंखों की सतह पर नमी बनी रहती है। इसी तरह धुएं में मौजूद कार्बन पार्टिकल्स पलकों पर जमा हो सकते हैं, इससे भी आंखों की नमी और गीलापन खत्म हो सकता है। आंखों का गीलापन या नमी खत्म होने से आंखें शुष्क हो जाती हैं, जिससे हमेशा किरकिराहट का एहसास बना रहता है। हमेशा ये लगेगा कि आंख में कोई कचरा चला गया। लंबे समय तक शुष्क बने रहने से नजर धुंधली भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, धूम्रपान करने से मोतियाबिंद की शिकायत भी जल्दी आ जाती है। यानी कि देश विदेश में हुए कई रिसर्च में ये पता लगा कि तंबाकू का सेवन करने वालों में मोतियाबिंद दूसरों के मुकाबले ज्यादा जल्दी आता है। इसी तरह न्यूक्लियर और पोस्टक्लियर पोलर किस्म के कैटरैक्ट भी इन्हीं लोगों को छोटी उम्र में होने लगते हैं। काला मोतिया के मामलों में हुए कई अध्ययन बताते हैं कि तंबाकू के सेवन से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। जिन्हें काला मोतिया है और वो बूंद की दवा डालते हैं, उन्हें इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को नियंत्रित रखने में दूसरों के मुकाबले अधिक समस्या आती है। इसके बाद कुछ और तरह की बीमारियां भी हैं जो कि धूम्रपान करने से होती हैं, जैसे कि मैक्यूलर डिजेनरेशन का जोखिम भी दुगना हो जाता है अगर आप धूम्रपान करते हैं। एम्बलियोपिया और ऑप्टिक न्यूरोपैथी इसका एक और बुरा असर है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन रेटिना और ऑप्टिक नर्व के सेल्स पर घातक प्रभाव छोड़ते हैं। दृष्टि के लिए रेटिना और ऑप्टिक नर्व महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय तक तंबाकू के सेवन के कारण आंखों को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको धूम्रपान करने से परेशानी बढ़ा सकती हैं। थायराइड, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये सभी बीमारियां रक्त में निकोटीन के बढ़ने की वजह से होती हैं। ये हमारे ऑक्सीडेंट्स के स्तर को भी बढ़ा देता है। चूने की थैली से गई कई लोगों की आंखें। जो लोग जर्दा या तंबाकू मसल कर खाते हैं, वो साथ में चूने का पाउच भी रखते हैं। आमतौर पर गीला चूना पॉलिथीन के बैग में रखा जाता है, ताकि गर्मियों में सूख न जाए। लापरवाही से छोड़ी गई सफेद थैली को छोटे बच्चे अक्सर खेल खेल में उठा लेते हैं और दबाकर देखते हैं। दबाते ही चूना सीधे आंखों में चला जाता है। चूना आंखों की सतह को क्षतिग्रस्त कर देता है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि कई बच्चों की आंखें इसी वजह से खराब हो चुकी हैं। तंबाकू का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि इसकी वजह से अगर आपने चूने की थैली को संभाल कर नहीं रखा, तो वो किसी और के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दोस्तों, धूम्रपान से आंखों की समस्याएं कुछ इस प्रकार है। मोतियाबिंद का निर्माण, काला मोतिया या कांच बिंद, उम्र आधारित मैक्यूलर डिजेनरेशन, थायराइड, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान आंखों को और अधिक क्षतिग्रस्त करता है। टॉक्सिक एम्बलियोपिक और ऑप्टिक न्यूरोपैथी जैसी बीमारियां। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर धूम्रपान से बचे रहेंगे और धूम्रपान की आदत पड़ गई है तो उसे जल्द ही छोड़ देंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।